हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल संजीव फैंटेसी में। सो फ्रेंड्स, आईपीएल स्टार्ट होने में मात्र 2 दिन का समय बचा है और फ्रेंड्स इस आईपीएल का जो पहला मैच है गाइस, जो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। फ्रेंड्स एक तरफ है 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की, फ्रेंड्स वहीं दूसरी तरफ है पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या की। तो फ्रेंड्स ये जो मैच है काफी धमाकेदार मैच होने वाली है और फ्रेंड्स हम लोग इस मैच में बात करेंगे कि आपके इस मैच के लिए कौन से बेस्ट ग्रैंड लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट स्मॉल लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं जिससे कि आप इसी ग्रैंड लीग में रैंक वन ला सको। साथ ही फ्रेंड्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है गाइस टीम। फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में 6 दोस्तों ग्रैंड लीग टीम बनाकर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये 6 टीम ऐसा आपको इजी ग्रैंड लीग में रैंक वन लाकर देगी ही देगी। साथ ही फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10 फ्रेंड्स बेस्ट ग्रैंड लीग प्लेयर्स को पिक कर रखा है जो कि आपको इजी ग्रैंड लीग में रैंक वन लाकर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को स्किप के बगैर देखना एंड तक, आपको 10 प्लेयर को मिस मत करना, साथ ही 6 ग्रैंड टीम को मिस मत करना, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में 10,000 रुपीज का फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रखा गिव अवे। गाइस मैं एक सवाल पूछूंगा आपको, सिंपल सा उस सवाल का जवाब देना है। फ्रेंड्स मैंने वो सवाल वीडियो के मिडिल में या फिर एंड में कहीं पर भी पूछा है, तो सिंपली से फ्रेंड्स आपको वीडियो को देखना एंड तक। जब मैं सवाल पूछूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको उसको क्या करना है, मुझे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना है। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद जब मुझे मैसेज कीजिए। और फ्रेंड्स जब मैच खत्म होगा और आपका सवाल का जवाब सही होगा तो फ्रेंड्स आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको पेटीएम फोन पे या फिर जो भी हो आप उसके थ्रू मैं पैसा आपको सेंड कर दूंगा जो भी विनिंग अमाउंट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को देखना एंड तक, इसकी बिल्कुल ही मत करना। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आज का जो मैच है फ्रेंड्स वो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि फ्रेंड्स गुजरात का होम ग्राउंड है। और फ्रेंड्स यहां पर लास्ट मैच जो गुजरात ने खेला था फ्रेंड्स आईपीएल को विन किया था, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको जो मैच है गाइस खेला जाएगा 31 मार्च 2023 7:30 PM शाम को, ठीक है। सो गाइस अब हम बात करें पिच रिपोर्ट का। फ्रेंड्स ये जो पिच रिपोर्ट है गाइस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। गाइस देखिए मैच में क्या होगा, बैट्समैन को हेल्प है, बॉलर्स को हेल्प है, फास्टर्स को हेल्प है, स्पिनर्स को हेल्प है, किसको हेल्प है फ्रेंड्स ये सारा का सारा पिच पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स जैसे पिच होता है उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनता है। तो फ्रेंड्स यदि पिच रिपोर्ट इसको बिल्कुल मिस मत करना, इसकी बिल्कुल मत करना। सो गाइस बात करें पिच का, फ्रेंड्स पिच दोस्तों आपका बैलेंस पिच है। फ्रेंड्स बैलेंस पिच का मतलब क्या है, बैलेंस पिच का मतलब दोस्तों जो स्कोर आता है फर्स्ट इनिंग में 150, 160, 170 स्टेप करता है उसको बोलते हैं बैलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच होता आपको 180, 190 स्कोर देखने को मिलता, अगर बॉलिंग पिच रहता तो 120 से लेकर के 130 तक या फिर 150 तक स्कोर देखने को मिलता। तो फ्रेंड्स यहाँ तो फर्स्ट इनिंग जो टीम बैटिंग करती है जो एवरेज स्कोर होता है फ्रेंड्स 160 का रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बात करी इस पिच का हाई स्कोर का जो कि फ्रेंड्स 201 रन, और फ्रेंड्स बात करें इस पिच का लो स्कोर का जो कि यहां पर है 102 रन फ्रेंड्स, ठीक है। और दोस्तों बात करें वेदर का, 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला, सनी काफी घाम रहेगा, तो यहां पर जो चांस है कि बारिश अगर कुछ होना ही होगा तो आराम से मैच यहां पर निपट जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें अभी तक इस ग्राउंड में कितने मैच खेले गए हैं, तो फ्रेंड्स अभी तक यहां पर 19 मैच खेले हैं और जहां पर जो टीम पहले बैटिंग किया है उसने जीता है 8 बार और जो टीम सेकंड बैटिंग किया है यानी कि चेस किया है उसने जीता है 10 बार। यानी कि फ्रेंड्स यहां पर जो टीम यहां पर पहले टॉस देती है कोशिश है पहले बॉलिंग करे, क्योंकि फ्रेंड्स जो टीम चेस करती है तो उसको थोड़ा एडवांटेज यहां पर ज्यादा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें इस पिच के स्कोरिंग पैटर्न की, तो फ्रेंड्स इस पिच पर 150 स्कोर नीचे फ्रेंड्स बना 6 बार और फ्रेंड्स वो स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 यहां फ्रेंड्स बनाया 6 बार और फ्रेंड्स वहां पर 170 और 190 के बीच में बनाया 5 बार और फ्रेंड्स वही 190 स्कोर बनाया 2 बार। यानी फ्रेंड्स आप यहां पर कॉमन क्या है देखिए फ्रेंड्स आपको आज के मैच में यहां पर या तो 150 से लेकर 170 या फिर 170 से लेकर 189 के बीच का स्कोर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आज के मैच में 190 स्कोर फ्रेंड्स ऊपर नहीं जाए, क्योंकि फ्रेंड्स पहला मैच है तो पहले मैच जो काफी अभी एक से पिछले साल खेले थे अभी इस साल खेल रहा है तो उतना तो अनुभव तो थोड़ा सा तो डाउन हो गया होगा, तो आपको हाई स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, आपको एवरेज 160 से लेकर 180 तक की स्कोर जाएगा, उससे ऊपर स्कोर फ्रेंड्स आज मैच में नहीं जाने वाला है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें इस पिच की यहां पर किस बॉलर को कितना हेल्प है, तो फ्रेंड्स देखा था लेफ्ट आर्म फास्ट होगा, फर्स्ट इनिंग में 34 विकेट मिला और सेकंड इनिंग में 14 विकेट मिला, यानी फ्रेंड्स राइट आर्म फास्ट हो सॉरी लेफ्ट आर्म फास्ट हो काफी अच्छा खासा हेल्प है फर्स्ट इनिंग में। और वहीं देखा जाए लेफ्ट आर्म स्पिन का, तो फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट मिला है, सेकंड इनिंग में 8 विकेट मिला है। और फ्रेंड्स वही बात करें राइट आर्म फास्ट का, तो फर्स्ट इनिंग में 76 विकेट मिला, सेकंड इनिंग में 68 विकेट मिला है।
और वो लास्ट फ्रेंड्स हमारा राइट टाइम स्पिन का देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 21 विकेट मिला है, सेकंड इनिंग में 23 विकेट मिला है। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए सोचते तो हाल सोचते फ्रेंड्स आपको ज्यादा हेल्प दोस्तों यहां पर किसको है, लेफ्ट आर्म फास्ट को फ्रेंड्स, जो कि लेफ्टी जो फास्टिंग बॉलिंग करता बायां से उसको यहां पर काफी अच्छा खासा हेल्प है। तो फ्रेंड्स आपको जितना हो सके लेफ्ट आर्म फास्ट को रखना है, साथ ही फ्रेंड्स आपको राइट आर्म फास्ट को भी अच्छा खासा यहां पर हेल्प है और स्पिनर्स को भी हेल्प है। यानी फ्रेंड्स ज्यादा कहूंगा यहां पर स्पिनर्स और फास्टर दोनों को ही ठीक ठाक हेल्प है, लेकिन ज्यादा हेल्प किस पे है, लेफ्ट आर्म फास्ट को और यहां पर राइट आर्म फास्ट को अच्छा खासा यहां पर स्पीच पे हेल्प है। तो आपको जितना हो सके लेफ्ट आर्म फास्ट और राइट आर्म फास्ट को लेकर के चलना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू की कि फ्रेंड्स इस ग्राउंड पर पिछले 3-4 मैच कैसा हुआ था। फ्रेंड्स देखिए पिछले मैच के अकॉर्डिंग से ही हम लोग टीम को बनाएंगे कि पिछले मैच हाई स्कोर हुआ था कि लो स्कोर हुआ था, पिछले मैच में कौन सी टीम ने कितना बनाया था, कितने स्कोर किया था, फास्टर से कितना विकेट लिया था, स्पिनर से कितना विकेट लिया था, ये भी दोस्तों जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक मैच दोस्तों खेला गया पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पर इंडिया ने बनाया था पहले बैटिंग करते हुए 234 रन और फ्रेंड्स उसको न्यूजीलैंड चेस नहीं कर पाया, मतलब 66 पर हो गया था ऑल आउट, ठीक है। फ्रेंड्स उस मैच में पेसर्स को मिला था 12 विकेट और स्पिनर्स को मिला था 2 विकेट। यानी फ्रेंड्स देखिए एक मैच जहां पर फास्टर्स को काफी अच्छा खासा हेल्प हुआ। फ्रेंड्स एक और मैच हुआ था यहां पर आईपीएल का राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जहां पर राजस्थान ने बनाया था 130 और फ्रेंड्स उसको यहां पर गुजरात ने काफी आसानी चेस कर लिया 133 बना करके। फ्रेंड्स उस मैच में पेसर्स को मिला था 7 विकेट और स्पिनर को मिला था 4 विकेट। यानी फ्रेंड्स इस मैच में पेसर्स को ही हेल्प है। फिर दोस्तों तीसरा मैच दोस्तों खेला गया था फ्रेंड्स, वो खेला गया था आरसीबी और आरआर के बीच में, जहां पर आरसीबी ने बनाया था 157 और फ्रेंड्स उसको आरआर ने काफी आसानी से चेस कर लिया 161 बनाकर, ठीक है। फ्रेंड्स उस मैच में पेसर्स को मिला था 9 विकेट और स्पिनर को मिला था 2 विकेट। तो फ्रेंड्स यहां पर कॉमन क्या है, देखिए फ्रेंड्स आप देखिए हर एक मैच में फ्रेंड्स यहां पर पेसर्स को काफी अच्छा खासा दोस्तों हेल्प है, देखिएगा 12 विकेट, 7 विकेट, 9 विकेट और फ्रेंड्स स्पिनर्स को काफी कम हेल्प है, उसको देखिएगा फ्रेंड्स यहां पर 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। फ्रेंड्स स्पिनर कुछ खास हेल्प नहीं है, पेसर्स काफी अच्छा खासा हेल्प है। तो आपको जितना हो सके पेसर्स को टीम में रखना गाइस, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड का, तो फ्रेंड्स अभी तक चेन्नई और यहां पर गुजरात बीच में 2 मैच खेला, जहां पर फ्रेंड्स गुजरात ने दोनों मैच को विन किया, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट चेन्नई एक भी मैच यहां पर विन नहीं कर पाती फ्रेंड्स। तो यहां पर हेड टू रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है गुजरात, लेकिन चेन्नई काफी स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार, तो चांस है आज के मैच को चेन्नई इजी मैच को यहां पर विन कर जाए, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 का, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या क्या हो सकते हैं, पहले शुभमन गिल हमारे यहां पर, दूसरा फ्रेंड्स रिद्धिमान शाह है, साई सुदर्शन है, हार्दिक पांड्या कैप्टन है, डेविड मिलर है, राहुल तेवतिया है, ओडेन स्मिथ है, उसके बाद गाइस हमारे राशिद खान है, अल्दाई जोसेफ है, मोहम्मद शमी है, यश दयाल है, लगभग आपको ये हो सकता है प्लेइंग 11 गुजरात टाइटंस का, ठीक। अब फ्रेंड्स हम बात करें गुजरात टाइटंस की रिसेंट परफॉर्मेंस का प्लेयर्स का, फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट गाइस, जो मैंने बोला था 10 फिक्स प्लेयर्स मैं आपको यही बताऊंगा, तो फ्रेंड्स इस पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। फ्रेंड देखिए रिसेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म में, आपको यहीं पर चलता है पता, ठीक है। तो इस पार्ट को भी बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले बात करें शुभमन गिल का, फ्रेंड शुभमन गिल देखिए यहाँ पर रिसेंट में क्या क्या मैच खेला है, 37 रन, 0 रन, 20 रन, फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मैच खेला है, उतना खास स्कोर यहाँ पर किया नहीं T20 रिसेंट में। और फ्रेंड्स लेकिन दोस्तों देखिए जब चेन्नई के खिलाफ जब बात आती है हेड टू हेड का, तो 10 मैच खेला है और 196 रन बनाए 22 एवरेज है। तो फ्रेंड देखिए सीएसके खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, उसने ना ही रिसेंट में कुछ खास किया है, लेकिन दोस्तों वेन्यू पर जहां पर मैच होने वाला गाइस वहां पर रिकॉर्ड काफी बेटर है, 3 मैच खेला है, 97 रन बनाए 48 एवरेज है। तो फ्रेंड्स इसको मोस्ट विकेट ट्राई करना है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे रिद्धिमान शाह, इनका देखा जाए तो फ्रेंड्स फिर से 3 मैच में कुछ खास किए नहीं, 1 मैच चले 81 रन, बाकी 2 मैच फ्लॉप गए हैं। वहीं से बात करें सीएसके खिलाफ रिकॉर्ड करते फ्रेंड्स अभी तक उन्होंने 13 मैच खेला है, 259 रन बनाए 29 के एवरेज से, तो एवरेज ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों इस वेन्यू पर जहां पर मैच होने वाला है वहां पर रिकॉर्ड काफी बेकार है दोस्तों, 1 मैच खेला है मात्र 5 रन बनाया है। तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा रिद्धिमान शाह को फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दो और शुभमन गिल को लेकर चलो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहां पर है साई सुदर्शन, दोस्तों ये कुछ खास किए नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नए प्लेयर है, आईपीएल में तो खेले नहीं है, तो शायद इनको लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड देखिए 1 मैच उन्होंने 154 फ्रेंड्स बनाया था यहां पर, जो कि काफी हाई स्कोर है, 2 तो वो बनाया था फ्रेंड्स उन्होंने डोमेस्टिक में। तो दोस्तों आईपीएल डोमेस्टिक आईपीएल काफी अलग होता है, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है उसको लेना। हाँ आप लोग ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, देखिए अगर कहीं टॉप ऑर्डर फ्लॉप करता है आपका यहाँ गुजरात का, तो शायद आपको रन करके दे दे, लेकिन थोड़ा रिस्की, जीएल में इसको ट्राई करो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट दोस्तों प्लेयर का जो है साई सुदर्शन को ट्राई करना है जीएल में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स है हार्दिक पांड्या, जो कि टीम में कैप्टन है। फ्रेंड्स अब इसके बारे में क्या कहूँ, इनको ड्रॉप करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इनका देखिएगा रिसेंट में
40 रन प्लस 3 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 25 रन प्लस 1 विकेट, यानी फ्रेंड्स उन्होंने हर एक मैच में विकेट यहां पर निकाल के दिया है, तो इसको ड्रॉप करना काफी बड़ी भूल हो सकती है। वहीं दोस्तों बात करें हेड टू हेड का, यानी कि चेन्नई के खिलाफ रिकॉर्ड का, तो फ्रेंड्स उन्होंने अभी तक यहां पर 12 मैच खेला, 171 रन बनाया 28 के एवरेज से और 8 विकेट भी लिया है। तो यहां पर फ्रेंड्स सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड काफी इनका अच्छा है और काफी अच्छे फॉर्म में भी है। तो फ्रेंड्स और पिछले साल भी उन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग किया था फ्रेंड्स, खासकर बॉलिंग से काफी विकेट निकाले हैं। तो बॉस्ट पिक है और कैप्टन से बेस्ट ऑप्शन है, कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग इसको स्मॉल। उसके बाद गाइस हमारे यहाँ पर है डेविड मिलर, किलर मिलर। फ्रेंड्स देखिए डेविड मिलर क्या है, जब ये फॉर्म में होते हैं तो लगातार चलते हैं, जब ये आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो लगातार फ्लॉप होते हैं। लेकिन दोस्तों डेविड मिलर फ्लैश देखिए, आपने सीरीज हुआ था उसका वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो काफी अच्छे फॉर्म में थे और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि फॉर्म में ये रहेंगे फ्रेंड्स। खास करके दोस्तों में देखा जाए तो रिसेंट में कुछ खास किए नहीं, लेकिन दोस्तों अच्छे फॉर्म में है फ्रेंड्स, मैं कहूंगा मस्ट पिक है, डेविड मिलर को ट्राई करो। उनका देखा जाए तो 10 रन, 48 रन, 17 रन, 11 रन ठीक ठाक किए हैं। और लेकिन फ्रेंड्स देखिए सीएसके के खिलाफ जब भी ये खेलते हैं फ्रेंड्स काफी अच्छा रन करते हैं। इनका देखिएगा तो 14 मैच खेले हैं, 424 रन बनाए 37 के एवरेज से, तो फ्रेंड्स सीएसके के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफी बेटर है। तो इसे इसके हिसाब से मैं तो कहूंगा इसको ट्राई करो ठीक है। और फ्रेंड्स इस वेन्यू पर जहां पर मैच होने वाला है, एक मैच खेला है, 32 रन बनाया फ्रेंड्स से काफी नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं। अगर कहीं टॉप ऑर्डर फ्लॉप करता है गुजरात का तो काफी रन कर देंगे डेविड मिलर, तो मस्ट पिक है, इसको ट्राई करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा राहुल तेवतिया, इनका देखा जाए तो 19 रन प्लस 3 विकेट, 25 रन प्लस 2 विकेट, 34 रन प्लस 2 विकेट, 4 रन प्लस 4 विकेट, यानी फ्रेंड्स आप देखिएगा तो हर एक मैच रन निकाल के दिए, रन किए हैं, विकेट निकाल के दिए हैं, काफी अच्छे फॉर्म है फ्रेंड्स और काफी ताबड़तोड़ बैट्समैन है, खास करके डेथ ओवर में फ्रेंड्स जब चेस करते हैं गुजरात फ्रेंड्स, राहुल तेवतिया काफी अच्छा करते हैं ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें इनका हेड टू हेड का, इनके सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड का, तो फ्रेंड्स अभी तक उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 5 मैच खेला है, 50 रन बनाए, 17 के एवरेज, कुछ खास एवरेज नहीं है, लेकिन दोस्तों 8 विकेट निकाला है। तो फ्रेंड्स भले ही बैटिंग कुछ खास नहीं किया हो, लेकिन दोस्तों बॉलिंग से भले ही पॉइंट्स दिया सीएसके के खिलाफ ठीक है, तो मस्ट पिक है, इसको भी ट्राई करना है, ड्रॉप इसको भी नहीं करना है ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर ओडेन स्मिथ फ्रेंड्स, ये भी काफी अच्छे ऑलराउंडर, काफी अच्छे बैट्समैन है, अच्छा बैटिंग करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ खास फॉर्म में नहीं है। आपने देखा वो सीरीज हुआ था लास्ट में उसका साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज का, तो कुछ खास नहीं किए थे, लेकिन दोस्तों आपको मैं कहूंगा इसको मस्ट पिक है, पूरा ग्रैंड लीग में ट्राई करो, अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कहीं टॉप ऑर्डर फ्लॉप किया तो वो बॉलिंग से भी विकेट निकाल देंगे, बैटिंग से भी पॉइंट्स देंगे, तो इसको ट्राई करना ठीक है। ओडेन स्मिथ को बेस्ट मैं कहूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा राशिद खान है, दोस्तों राशिद खान फ्रेंड्स मैं कहूंगा आज के मैच से फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोग ड्रॉप कर दो। आप बोल रहे क्यों ड्रॉप करो, तो भाई देखो यार आज के मैच में फ्रेंड्स जो ग्राउंड है जहां पर मैच होना लगा वहां पर फ्रेंड्स स्पिनर कुछ खास हेल्प नहीं है, फास्टर तो काफी अच्छा खासा हेल्प है, तो शायद राशिद खान को उनको उतना बॉलिंग मिले बट विकेट ना मिले, और दोस्तों यहाँ बैटिंग में काफी नीचे करने के लिए आते हैं तो बैटिंग करने का मौका भी शायद इनको कम ही मिले, तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स इसको ड्रॉप कर दो फ्रेंड्स। इसके जगह पर ओडेन स्मिथ को लो, फास्ट बॉलिंग करते हैं, बैटिंग में अच्छा करते हैं, तो ये बेटर ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से राशिद खान का देखा ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा इसको ट्राई करो, बाकी ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते ठीक है राशिद खान को। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर है अजहरी जोसेफ फ्रेंड्स, ये भी दोस्तों काफी अच्छे बॉलर है, T20 में काफी अच्छे बॉलिंग किए, आपने देखा होगा लास्ट सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उन्होंने काफी यहाँ पर अच्छा बॉलिंग भी किया था, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करो ठीक है। उनका देखा जाए तो 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट फ्रेंड्स यहाँ पर 7 विकेट लिया पिछले 3 मैच में और अच्छे बॉलिंग भी करते हैं, तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स इसको ट्राई करो ठीक है। कहाँ ट्राई करो, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई करो फ्रेंड्स। क्यों मैं नहीं करूँ ट्राई करने के लिए फ्रेंड्स, देखिए अभी तक फ्रेंड्स वेन्यू पर इनको खेलने का मौका मिला नहीं और फ्रेंड्स आईपीएल का पहला मैच, तो शायद से चांस है कि ये ना चले, फ्लॉप हो जाए। और फ्रेंड्स वही बात करें हेड टू हेड का, यानी कि सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड ठीक ठाक इनका, 2 मैच खेले, 3 विकेट निकाला है, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करो, बट स्मॉलिंग में सेफ नहीं होगा, ग्रैंड लीग में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद शमी, इनका देखा जाए तो फ्रेंड्स पिछले 3 मैच खेले, 1 मैच विकेट मिला, 3 के बाकी 2 मैच फ्लॉप गए हैं, और फ्रेंड्स वही देखा जाए फ्रेंड्स सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड तो उतना अच्छा नहीं है, 11 मैच खेले, 9 विकेट निकाले, कुछ खास नहीं किया फ्रेंड्स। वहीं पर देखा जाए वेन्यू पर जहां पर मैच होने वाला है वहां पर कुछ खास रिकॉर्ड इनका नहीं है, 4 मैच खेले, 3 विकेट निकाले, कुछ खास रिकॉर्ड फ्रेंड्स इनका रहा नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा मोहम्मद शमी को आज मैच में ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां पर देखो इस मैच में पेसर्स को हेल्प है इस पिच पर, तो मोहम्मद शमी फ्रेंड्स मैं कहूंगा ट्राई करो फ्रेंड्स, आज अच्छा ऑप्शन हो सकता है, काफी लोग इसको ड्रॉप करें लेकिन ट्राई करो, पॉइंट पिक इसको फ्रेंड्स बेस्ट पिक, चाहे ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो दोनों में आपके लिए बेस्ट ठीक है, इसको ट्राई करो फ्रेंड्स। लास्ट हमारा यश दयाल, इनका देखा जाए तो फ्रेंड्स 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट फ्रेंड्स, 4 मैच खेले, मतलब 1 विकेट निकला है, बिल्कुल न्यू प्लेयर है, तो उतना खास कुछ किया नहीं, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा इसको ड्रॉप ही कर दो, उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको ट्राई करना ठीक है, तो इसको ड्रॉप कर दो ठीक है।
अब फ्रेंड्स हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 का, तो फ्रेंड्स पहले देखिए हमारे यहाँ पर है डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ है, मोइन अली है, अंबाती रायडू है, बेन स्टोक्स है, रविंद्र जडेजा है, शिवम दुबे है, उसके बाद एम एस धोनी है, दीपक चहर है, तुषार देशपांडे है, ड्वेन प्रिटोरियस है। फ्रेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग इस पर बैटिंग लाइनअप और काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है सीएसके का, ठीक है। कुछ इसमें से ड्रॉप हो सकते हैं, बाकी आपको मिला है कहां पर, टॉस होने के बाद टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अब दोस्तों बात करें हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स का रिसेंट परफॉर्मेंस का, फिर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स पहले दोस्तों हमारा डेवन कॉनवे, गाइस डेवन कॉनवे काफी अच्छा फॉर्म में, आप चाहे T20 वर्ल्ड कप देख लो, उन्होंने काफी अच्छे क्या चाहे सीरीज देख लो न्यूजीलैंड का, काफी अच्छे करते आ रहे हैं लगातार। फ्रेंड्स उन्होंने देखे तो 1 रन 11 रन 52 रन 138 रन, फ्रेंड्स लगातार दो मैच में काफी अच्छा उन्होंने किया है। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर गुजरात के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास उनका नहीं है, एक मैच खेला है फ्रेंड्स, मात्र 5 रन बनाया है। लेकिन दोस्तों डेवन कॉनवे फ्रेंड्स मस्ट पिक है, मैं तो इसको लूंगा, आप लोग भले डाउट करो बट मैं तो इसको लूंगा ही लूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ है, दोस्तों गायकवाड़ कुछ खास पिछले सीजन उनका रहा नहीं था, लेकिन दोस्तों काफी ताबड़तोड़ बैट्समैन है, तो गायकवाड़ फ्रेंड्स मैं तो ट्राई करूंगा उनका, देखा जाए तो 108 रन 168 रन 220 रन 40 रन, फ्रेंड्स ये सब जो जितना फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में उन्होंने काफी अच्छा कर गया है, तो फॉर्म में भी काफी अच्छा है, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा इसको ट्राई करो, मैं तो इसको भी बिल्कुल भी ट्राई करूंगा। और फ्रेंड्स देखिए मैं ट्राई करने के लिए क्यों कहूँ, देखो फ्रेंड्स जो हेड टू हेड है फ्रेंड, देखिए गुजरात के खिलाफ काफी अच्छा करते हैं, दो मैच खेले 126 रन बनाया, 63 का एवरेज है, तो इसको भी ट्राई करो फ्रेंड्स, बेस्ट इसको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करो, ठीक है, मैं तो इसको ट्राई करूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा मोइन अली, इनका देखा जाए तो 9 रन प्लस 0 विकेट, 15 रन प्लस 1 विकेट, 8 रन प्लस 8 रन 1 विकेट, 2 रन प्लस 0 विकेट, फ्रेंड्स ये भी कुछ खास उतना किए नहीं है, लेकिन दोस्तों अच्छे ऑलराउंडर है। और फ्रेंड्स लेकिन मैं कहूंगा मोइन अली को ड्रॉप कर दो, आप क्यों कहे को देखो फ्रेंड्स ये स्पिन बॉलिंग करते हैं फ्रेंड, स्पिनर कुछ खास हेल्प नहीं है इस पिच पर, और बैटिंग में उतना खास और फॉर्म में नई नजर मुझे आ रहा है इस बार, तो थोड़ा सा रिस्क लेकर इसको ड्रॉप कर दो। और फ्रेंड्स मैं कहूंगा इसके जगह ट्राई कर सकता हूँ अंबाती रायडू को, अंबाती रायडू फ्रेंड्स आपके लिए पॉइंट पिक हो सकता है, काफी कम लोग इसको ट्राई करेंगे, काफी लोग ड्रॉप करेंगे, लेकिन ट्राई करो कहीं ड्रॉप होता फ्लॉप हो चेन्नई करता को यहाँ पर अंबाती रायडू रन करके देंगे, तो इसको भी बेस्ट पिक है ट्राई करो, ठीक है। इनका देखा जाए कुछ खास किए 9 रन 17 रन 33 रन 0 रन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए गुजरात के खिलाफ एक मैच खेले 46 रन बनाए हैं, तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से मैं कहूँगा ट्राई करो, बेस्ट है आपके लिए, अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसमें अंबाती रायडू, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा बेन स्टोक्स, गाइस बेन स्टोक्स चेन्नई ने काफी महंगा दाम में खरीदा था फ्रेंड्स, उनका देखा जाए रिसेंट में तो 52 रन प्लस 1 विकेट 0 विकेट 42 रन प्लस 1 विकेट 8 रन प्लस 1 विकेट, फ्रेंड्स इन्होंने भी ठीक ठाक किया, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर बेन स्टोक्स खेले नहीं थे, तो ना ही हिट को रिकॉर्ड नहीं वेन्यू को रिकॉर्ड, लेकिन दोस्तों अच्छे प्लेयर है, मैं तो इसको ट्राई करूंगा, इसको ड्रॉप मत करो, ठीक है। टॉप ऑर्डर फ्लॉप के तो आपको यही बचाएगा बेन स्टोक्स, चेसिंग में दोस्तों काफी अच्छा चेस करके आपको देंगे बेन स्टोक्स, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा रविंद्र जडेजा है, गाइस जडेजा फ्रेंड्स मैं आज ड्रॉप कर रहा हूँ, क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो इस पिच पर तो फ्रेंड स्पिनर कुछ खास हेल्प नहीं है, और फ्रेंड्स जडेजा भी टेस्ट में काफी अच्छे किए हैं, ओडीआई में कुछ उतना खास किए नहीं है, T20 में कुछ खास किए इंडिया के खिलाफ, और पिछले काफी चोट में थे, तो शायद T20 अभी तक खेले नहीं है काफी 5-6 महीने से भी मैच, तो थोड़ा सा इनको बैटिंग करने में दिक्कत होगा, ठीक है, और पिछले साल भी आउट ऑफ फॉर्म में थे, तो मैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग क्या करते हो आपको ऊपर है, मैं तो इसको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, उसको मैं लूंगा बेन स्टोक्स को और फास्ट बॉलिंग में। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा शिवम दुबे, गाइस मैं शिवम दुबे का आज कहूंगा आप लोग ट्राई करो फ्रेंड्स, क्यों ट्राई करो, देखो इनका देखा जाए तो 7 रन प्लस 1 विकेट, 13 रन प्लस 2 विकेट, 25 रन प्लस 1 विकेट, 28 रन प्लस 0 विकेट, फ्रेंड्स देखिए इन्होंने उतना अच्छा किया नहीं रिसेंट में, लेकिन दोस्तों अच्छे बैट्समैन है, काफी अच्छा ऑलराउंडर फ्रेंड्स, देखिए मेन दोस्तों दिक्कत है चेन्नई का टॉप ऑर्डर, फ्रेंड्स लास्ट ईयर का जो पहला मैच हुआ था चेन्नई का टॉप ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, यहाँ पर कहीं अगर कोलैप्स हुआ सीएसके का टॉप ऑर्डर, तो फ्रेंड्स आपको शिवम दुबे रन करके देंगे फ्रेंड्स, फास्ट बॉलिंग करते हैं आपको विकेट्स भी निकाल के देंगे फ्रेंड्स, तो बेस्ट पिक है, लेकिन दोस्तों उनका देखा जाए वेन्यू में नहीं खेलने का मौके मिला, दो मैच खेले मात्र 19 रन बनाए, लेकिन दोस्तों अच्छे ऑप्शन है ग्रैंड लीग में दोस्तों ट्राई कर सकते हो, बेस्ट आपके लिए ऑप्शन आपके शिवम दुबे हो सकते हैं मैच, ठीक है, इसको ट्राई करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, दोस्तों एमएस धोनी बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म थे पिछले साल, कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा इसको तो धोनी को ड्रॉप कर दो, लेकिन ट्राई कर सकते हो जीएल में, अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल ड्रॉप कर दो, ठीक है धोनी। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दीपक चहर, दोस्तों दीपक चहर भी काफी लंबे समय से चोट से जूझ रहे थे, तो अभी वापसी किए हैं, शायद ये खेले ना खेले पहले मैच, इनको डाउट ही है, खेलते हैं तो लेना, नहीं खेलते तो कोई बात नहीं, लेकिन खेलेंगे तो मस्ट पिक है दीपक चहर, आपको स्विंग मिलेगा स्टार्टिंग में, विकेट निकाल के देगा ही देगा, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा तुषार देशपांडे, फ्रेंड्स ये बिल्कुल नया प्लेयर है, कुछ खास इनको अनुभव नहीं है खेलने का, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा इसको ट्राई कर सकते हो, कहीं दीपक चौर शायद ना खेले तो इनकी जगह पर खेल सकते ही है, लेकिन चांस कम है कि ये खेले, बट इसको
ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना होगा तो जीएल में ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स लास्ट हमारा ड्वेन प्रिटोरियस है गाइस, प्रिटोरियस उनका चांस बहुत ही कम लग रहा है मुझे खेलने का, शायद खेलते हैं तो उसको ट्राई करो क्योंकि फास्ट बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, तो मैं कहूंगा इसको ट्राई करो, बेस्ट ऑप्शन है आपको, अच्छा पॉइंट पिक भी हो सकता है जीएल के लिए, बेस्ट आपको कैप्टन का भी ऑप्शन आपके लिए प्रिटोरियस है, ठीक है इसको ट्राई करो ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हमारे बात करें पर 10 जो मैंने प्लेयर्स बोला था, फ्रेंड्स हमारा जो पहला दोस्तों हमारा गाइस वो है यहाँ पर रिद्धिमान साहा है, दूसरा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर दोस्तों गाइस वो है डेविड मिलर है, तीसरा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर दोस्तों जो है शिवम दुबे है, चौथा फ्रेंड्स हमारा प्रिटोरियस है, पांचवा फ्रेंड्स हमारा रविंद्र जडेजा है, छठा फ्रेंड्स हमारा महेंद्र सिंह धोनी है, सातवा फ्रेंड्स हमारे यहाँ मोइन अली है, आठवा फ्रेंड्स हमारा ऋतुराज गायकवाड़ है, नौवा फ्रेंड्स हमारा जो अलदारी जोसेफ है, दसवा फ्रेंड्स हमारा दोस्तों जो है मोहम्मद शमी है। तो 10 प्लेयर आपका हो गया ग्रैंड लीग, आप इसको पिक करो ठीक है और इसको ट्राई करो। आप फ्रेंड्स बात करें कैप्टेंसी के, फ्रेंड्स पहला दोस्तों बेस्ट ऑप्शन का जो हमारा वो है रिद्धिमान साहा है, दूसरा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हो गया ऋतुराज गायकवाड़, तीसरा फ्रेंड्स हमारा मोहम्मद शमी हो गया, चौथा फ्रेंड्स हमारा हो गया शिवम दुबे, जो कि चार बेस्ट आपके लिए कैप्टन का ऑप्शन है ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने एनालाइज कर लिया, चलिए अब टीम को बनाते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर टीम को बनाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास में चार विकेट कीपर का ऑप्शन है, डेवन कॉनवे है, एमएस धोनी है, मैथ्यू वेड है और रिद्धिमान साहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डेवन कॉनवे काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, काफ़ी उन्होंने अच्छा किया था, चाहे T20 वर्ल्ड कप देख लो चाहे सीरीज देख लो काफ़ी उन्होंने अच्छा किया था। वहीं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमएस धोनी है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से क्रिकेट नहीं खेले हैं, उन्होंने लास्ट ईयर आईपीएल में खेला था जहाँ पर वो आउट ऑफ फॉर्म थे और इसे डायरेक्ट एक साल के बाद में आज इस आईपीएल में खेल रहे हैं ठीक है। फ्रेंड्स ये कुछ खास फॉर्म में नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा रिस्क लूंगा, इस पर इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा धोनी को ठीक है। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा मैथ्यू वेड, जो कि ठीक ठाक फॉर्म में है, उतना खास फॉर्म में भी नहीं है, और बाकी रिद्धिमान साहा भी ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स इन चारों दोस्तों मुझे बेस्ट लगा डेवन कॉर्न, मैं डेवन कॉर्न को लूंगा, बाकी कोई आप लोग यहाँ चाहो तो जीएल में ट्राई कर सकते हो ठीक है। आते फ्रेंड्स बैट्समैन है, तो शुभमन गिल फ्रेंड देखिएगा तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में, उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, आपने ओडीआई में ठीक ठाक है, T20 दोस्तों बहुत उतना अच्छा फॉर्म में नहीं, लेकिन दोस्तों CSK के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफ़ी बेटर है, तो मैं शुभमन गिल को यहाँ पर ले लूँगा ठीक है। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ फ्रेंड, गायकवाड़ का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है गुजरात के खिलाफ, तो गायकवाड़ को मैं यहाँ पर ले लूँगा ठीक है। डेविड मिलर को मैं ट्राई करना चाहूँगा। बाकी केन विलियमसन है, अमाती रायडू है, अंजिक रहाने काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो गाइस देखो काफ़ी लोग ट्राई करेंगे केन विलियमसन को, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर फ्रेंड्स मैं ट्राई करूँगा आज के मैच में शिवम दुबे को। फ्रेंड्स मैं शिवम दुबे क्यों ट्राई करूँ, फ्रेंड्स देखिए अगर कहीं चेन्नई के टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो कोलैप्स किया तो आपको शिवम दुबे रन्स करके दे सकते हैं फ्रेंड्स, साथ ही आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं शिवम दुबे, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ ठीक है। आते फ्रेंड्स ऑलराउंडर में, तो रविंद्र जडेजा फ्रेंड्स मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉप, क्योंकि फ्रेंड देखिए इस पिच पर स्पिनर्स को कुछ खास हेल्प नहीं है और वहीं पर जडेजा काफ़ी नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो शायद इन्हें खेलने का मौका ना मिले, तो मैं इसको ड्रॉप करूँगा। मैं बेन स्टोक्स को लूँगा, हार्दिक पांड्या को लूँगा, मोइन अली को भी मैं ड्रॉप कर दूँगा और राहुल तेवतिया को लूँगा ठीक है। मैं लूँगा तीन ऑलराउंडर साथ यहाँ पर जाऊँगा ठीक है गाइस। बाकी यहाँ पर आपको एडवन फिटोडिस जो कि ट्राई कर सकते हो, काफ़ी आपको पंट पिक हो सकता है जीएल के लिए ट्राई कर सकते हो, और यहाँ नेक्स्ट ऑडियंस स्मिथ को भी ट्राई कर सकते हो जीएल के लिए ठीक है। मिचेल सैंटन वगैरह शायद नहीं खेलेंगे तो कुछ खास एकदम प्लेयर है नहीं। आगे कैसे बॉलर में, तो हमारा राशिद खान फ्रेंड्स मैं इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा, थोड़ा रिस्क लेकर ड्रॉप करूँगा। फ्रेंड देखिए राशिद खान फ्रेंड्स सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास रहता नहीं है ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप करूँगा, और इस पिच पर स्पिनर से कुछ खास हेल्प भी नहीं, तो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। मैं दीपक चौर को लूँगा, दीपक चौर कॉमबैक कर रहे हैं ठीक है। बाकी यहाँ पर महेश टिक्सना को भी मैं एक्चुअली एक स्पिनर ले लेता हूँ ठीक है। अलदारी जोसेफ खेल तो जोसेफ को लूँगा ठीक है, तीन दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा बॉलर ठीक है। आप लोग चाहो तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स एक बैट्समैन को ड्रॉप करके मिलर को ड्रॉप करके यहाँ फ्रेंड्स एक मुकेश चौधरी को ले लो, फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे बॉलर है सीएसके का, जो कि बेस्ट आपके लिए हो सकता है ठीक है। तो मैं चलिए दीक्षणा का ड्रॉप करूँ, मोहम्मद शमी को चलो ठीक है, क्योंकि इस पिच पर फास्टर्स को हेल्प है। चलिए अब बात करें टीम का, तो फ्रेंड्स ये मेरा टीम है। अब गाइस यहाँ पर बात करें कैप्टेंसी का, तो फ्रेंड्स आपको सेफ जाना है, तो सेफ के लिए फ्रेंड्स हार्दिक पांड्या बिल्कुल सेफ है, और यहाँ पर बेन स्टोक्स बिल्कुल सेफ कैप्टेंसी का ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ने काफ़ी अच्छा किया रिसेंट में और अच्छे फॉर्म में भी है, दोनों अच्छा ऑलराउंडर है, तो दोनों बिल्कुल बेस्ट है कैप्टेंसी के लिए ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें वाइस कैप्टेंसी रिस्की के लिए, तो फ्रेंड्स आप लोग ट्राई कर सकते हो किसको, शुभमन गिल को ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर शिवम दुबे को ट्राई कर सकते हो, रिस्की थोड़ा है लेकिन दोस्तों अच्छा है रिस्की है। शिवम दुबे फ्रेंड्स क्या किया, टॉप ऑर्डर फ्लॉप के चेन्नई का, तो आपको नीचे से रन करके देगा ठीक है शिवम दुबे। बाकी शुभमन गिल की बात किया जाती भी कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो इनको ट्राई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अच्छा है ट्राई करो इसको ठीक है। फ्रेंड्स बात करें वाइस कैप्टेंसी की, तक वो सेफ जाना है, तो डेवन कॉर्न बिल्कुल सेफ है, वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको गायकवाड़ बिल्कुल ही सेफ है वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन, क्योंकि दोनों अच्छे फॉर्म में हैं, और खासकर फ्रेंड्स यहाँ पर जो गायकवाड़ का फ्रेंड जो रिकॉर्ड है ना गुजरात के खिलाफ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो मैं कहूँगा इसको ठीक है, इसको ट्राई करो ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा सेफ है दोनों वाइस कैप्टन ठीक है।
अब अगर बात करें इसकी वाइस कैप्टनसी के लिए, आपको फ्रेंड्स आप ट्राई कर सकते हो किसको, यहाँ पर मुकेश चौधरी को ट्राई कर सकते हो, और फ्रेंड आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर अलजरी जोसेफ को। गाइज मैं दोनों क्यों करूँ फ्रेंड, दोनों ने भी दोस्तों दोनों अच्छे फास्ट बॉलर है, और दोस्तों खासकर मुकेश चौधरी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करते हैं स्टार्टिंग विकेट्स निकाल के देते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ट्राई कर सकते हो मुकेश चौधरी को, और यहाँ पर अलजरी जोसेफ को भी ट्राई कर सकते, दोनों रिस्की है लेकिन थोड़ा सा ठीक है। बाकी मोहम्मद शमी, दीपक चौर को भी ट्राई कर सकते हो, बेस्ट आपको वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है भी, ये दोनों भी है ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल ये मेरा टीम है, गाइज ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पर, तो आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।